मित्रों जय माता दी, आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। धर्म शिक्षा में हर रोज की तरह एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आज का संपूर्ण राशिफल लेके। ये राशिफल मैं लेके आया हूँ मंगलवार यानी कि 31 दिसंबर 2019 का, वर्ष 2019 का सबसे अंतिम राशिफल, अंतिम दिन का ये राशिफल है। अगर अपने पंचांग यानी कि हिंदी कैलेंडर की बात करें तो आज है विक्रम संवत 2076 पौष मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, जो कि दिन के 2:42 तक रहने वाला है। उसके बाद षष्ठी तिथि का आरंभ हो जाएगा। नक्षत्र आज रहने वाला है सतभिषा, जो कि रात के 12:35 तक रहेगा। उसके बाद पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। व्रत त्यौहार में आज ऐसा कुछ नहीं है। मित्रों आज के संपूर्ण राशिफल में हर रोज की तरह हम जानने वाले हैं कुल 12 राशि का राशिफल। साथ ही हम जानेंगे आज का क्या शुभ समय है, क्या अशुभ समय है, दिशाशूल क्या है, भाग्यवर्धक क्या है, राशि अनुसार क्या खाद्य पदार्थ शुभ रहेगा, राशि के अनुसार क्या रंग आपके लिए शुभ रहने वाला है। तो सभी चीज़ें एक ही साथ एक ही राशिफल के वीडियो में हम जानते हैं। इसी वजह से तो इस कार्यक्रम का नाम है संपूर्ण राशिफल। राशिफल हर जगह, संपूर्ण राशिफल सिर्फ और सिर्फ धर्म शिक्षा चैनल पर। मित्रों अगर आपको अभी तक अपनी सही राशि पता नहीं चल पाई है तो आपको क्या करना चाहिए, अपना विवरण ठीक इसी प्रकार से लिख के हमें बताना चाहिए, जिसमें कि आप हमें बताएंगे अपने जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान। ठीक तीन दो चीज़ें ठीक इसी प्रकार से, ताकि हम आपकी कुंडली को देख पाएँ और आपको बता पाएँ कि आपकी सही राशि क्या है और आप अपना सटीक राशिफल हर रोज़ धर्म शिक्षा चैनल पर देख पाएँ। मित्रों अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही अपनी प्रतिक्रिया में जय माता दी लिखें। अगर आपके कुछ सुझाव हों तो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर निश्चित तौर पर बताएं। मित्रों आज के 12 राशि का राशिफल आपको बताना आरंभ करूं, इससे पहले आइए जानते हैं आज ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है, क्योंकि ग्रहों की जो स्थिति है पूरा का पूरा राशिफल उस पर निर्भर करता है। आज राहु मिथुन राशि में, मंगल वृश्चिक राशि में, बुध सूर्य गुरु शनि केतु एक साथ धनु राशि में, शुक्र मकर राशि में, चंद्रमा आज कुंभ राशि में। तो इन्हीं सभी ग्रहों का मिलाजुला हल आज के राशिफल में हम जानेंगे। तो आइए अब बात कर लेते हैं पहली राशि मेष राशि की। मेष राशि में चंद्रमा आज तीसरे स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज जीवन का कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। अगर जरूरी हो तो कुछ लोगों से सलाह जोड़ लें। कैसे लोगों से सलाह लें, जो कि अनुभवी हों, जिनको कि उस कार्य के बारे में पता हो, ऐसे लोगों से सलाह करके ही कुछ बड़ा फैसला लें, क्योंकि आपके द्वारा लिए गए फैसले आज गलत साबित हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पर बहुत ही ध्यान रखना होगा, जो भी फैसले लें 2-4 लोगों से जान के समझ के लें, जो भी आपके शुभचिंतक हैं उनसे जान समझ कर लें, क्योंकि आपके लिए जो चीज़ है वो सबके लिए नहीं हो सकता, सबकी ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से नहीं है। तो आप कोई भी फैसला अपने आप के ऊपर से ना लें, इसे खास करके कोई बड़ा फैसला। कामकाज में आज आपको सफलता मिलेगी, कोई पुराना दोस्त आपको आज मिल सकता है, आपके संतान को कष्ट भी हो सकता है तो उसका ध्यान रखें, किसी मित्र से आपकी अनबन भी हो सकती है तो अपनी वाणी पे नियंत्रण रखें। परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पे जाने के योग बन सकते हैं, ऐसे योग बने तो निश्चित तौर पे जाइए, इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है, भगवान के प्रति आपकी आस्था भी बढ़ेगी। बात करेंगे व्यापार और धन की, तो किसी प्रियजन की मदद से आपके व्यापार में वृद्धि हो सकती है, माता पिता से भी आपको आर्थिक सहयोग आज मिल सकता है। आज कहीं अगर आप निवेश करेंगे तो आपको वहाँ से फायदे हो सकते हैं, व्यापार में नए अनुबंध भी हो सकते हैं, कुल मिलाकर आपका आर्थिक पक्ष आज बेहतर भी रहेगा। बात करेंगे विद्यार्थी की, तो विद्यार्थी आज अपने पढ़ाई को लेकर थोड़े चिंतित और निराश रह सकते हैं, लेकिन चिंता और निराशा से निकलकर अपनी पढ़ाई में मेहनत करना होगा, सफलता आपको तभी मिलेगी। बात करेंगे स्वास्थ्य की, तो गले या मुँह से संबंधित कुछ परेशानी आपको रह सकती है तो अपना ध्यान रखें। प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंधों के लिए आज के दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, जीवन साथी आज आपकी कई प्रकार के इच्छाओं की पूर्ति भी करेंगे, वैवाहिक जीवन में समरसता आपकी बनी रहेगी। बात करेंगे आज के शुभ खाद्य की, तो वह है गेहूं से बनी हुई चीज़ें खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा, आपके लिए आज का शुभ रंग लाल रंग। बात करेंगे वृष राशि की, वृष राशि में चंद्रमा आज चौथे स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज आपको कुछ फंसे हुए कार्यों को निपटाने में सफलता की प्राप्ति होगी। आपके लिए बहुत अच्छा दिन है, बहुत सारे कार्यों को खत्म करने में आपको सफलता की प्राप्ति होगी, अपने काम को लेकर अगर संकोच में नहीं रहेंगे तो आपको फायदा होगा। आज हो सकता है आपको अपना प्रभाव जमाने के लिए कहीं पर झूठ भी बोलना पड़े, आज आप अपने बच्चों की पढ़ाई में भी रुचि ले सकते हैं।
बात करें वृष राशि के व्यापार और धन की, तो आज कहीं भी धन निवेश करने से बचें, आपको इससे हानि हो सकती है। आज आपके पैसे ज़्यादा खर्च हो सकते हैं, लापरवाही और संकोच में बिल्कुल ना पड़ें, इससे आपको आपके करियर में हानि होगी। अपने व्यापार में योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ें, इससे आपको फायदा भी होगा। बात करेंगे विद्यार्थी की, तो विद्यार्थियों के लिए आज कहीं अनुकूल रहने वाला है। मेहनत ज़्यादा करना पड़ सकता है, मेहनत करेंगे तो उसका फल भी आपको मिलेगा, लेकिन मेहनत में किसी प्रकार की कमी बिल्कुल ना रखें। बात करेंगे स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखें तो आज आपको सिर में दर्द रह सकता है, साथ ही कफ का सामना भी करना पड़ सकता है, तो सर्दी का मौसम ऐसे भी है, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, ठंडी चीज़ें खाने से बचना चाहिए। बात करेंगे प्रेम संबंध की, तो आज आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। अविवाहित लोगों को भी प्रेम संबंध में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं, प्यार के इजहार करने के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के दिन अगर तांबे के बर्तन में पानी पीते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा, आपके लिए आज का शुभ रंग भगवा रंग। तांबे के बर्तन में हर किसी को, चाहे आपकी राशि कुछ भी हो, पानी पीने का अभ्यास जरूर करना चाहिए, इससे कई फायदे होते हैं, जिसमें से कुछ फायदे, अगर सुबह सुबह उठते ही आप तांबे के पात्र में भरा हुआ पानी पीते हैं तो आपका पेट साफ देखेंगे आप उसी समय हो जाएगा, और दिमाग भी इससे तेज होता है, तो ऐसा जरूर कीजिए, चाहे आपकी राशि कुछ भी हो। आपके लिए आज का रंग, जैसा कि मैंने बताया, भगवा है। बात करेंगे मिथुन राशि की, मिथुन राशि में चंद्रमा आज पाँचवें स्थान में विराजित है, निजी और कामकाजी जीवन में कुछ अच्छे बदलाव के संकेत इसके फलस्वरूप आपको मिल सकते हैं। नौकरी और कारोबार में आपको अपने व्यवहार को और भी अच्छा करने की ज़रूरत है, इससे आपके बिगड़े हुए काम भी बनेंगे। अचानक कहीं यात्रा पर जाने के योग बन सकते हैं, कामकाज में आपको सफलता भी मिल सकती है। ऑफिस में या फील्ड में आपको आज ज़्यादा समय भी देना पड़ सकता है। आज नकारात्मक सोच भी आ सकती है, तो नकारात्मक सोच से बचें, इससे आपके काम बाधित हो सकते हैं। बात करेंगे व्यापार और धन की, तो भौतिक सुख सुविधा वाली चीज़ों में आज बढ़ोतरी होगी, व्यापार में भी मुनाफा होगा, साथ ही नौकरी के लिए भी अनुकूल स्थिति आज बनी रहेगी, अपने व्यापार में वृद्धि भी कर पाएंगे। बात करेंगे विद्यार्थी की, तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ज़्यादा मेहनत भर रह सकता है, मेहनत करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। बात करेंगे स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में आज उतार चढ़ाव के योग बन रहे हैं, लेकिन भोजन संबंधी अगर कुछ दिक्कतें हैं, मतलब अरुचि रह रही है, खाना पच नहीं रहा, इस तरह का कुछ समस्या अगर है, तो उससे आपको फायदा हो सकता है आज। बात करेंगे प्रेम संबंध की, प्रेम संबंधों में आज उतार चढ़ाव आ सकते हैं, जीवन साथी की मदद और प्यार आपको मिलेगा, लेकिन जीवन साथी से वाद विवाद में ना पड़ें, लड़ाई झगड़े भी आपके होने के पूरी संभावना बन रही है, तो अच्छे संबंध बना के रखें आज। आज के दिन गुड़ अपने खाद्य पदार्थ में शामिल करते हैं तो आपके लिए शुभ होगा, आपके लिए आज का शुभ रंग लाल रंग। बात करेंगे कर्क राशि की, कर्क राशि में चंद्रमा आज छठे स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज अगर आप कोई कार्य आरंभ करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, दूसरों की मदद करेंगे तो उसका फायदा भी आपको मिलेगा। कुछ क्षेत्रों में तो नई शुरुआत भी हो सकती है, किसी प्रकार के धार्मिक कार्य करने के योग भी बन सकते हैं, परिवार में सुख सुविधाओं का विस्तार भी हो सकता है, संतान की तरफ से थोड़ी चिंता आपको रह सकती है, खास करके संतान की गतिविधियों से, किसी से आपके वाद विवाद हो सकते हैं तो ऐसी स्थिति ना आने दें, विवादों से आपको बचना चाहिए। बात करेंगे व्यापार और धन की, तो व्यापार में नया कार्य आरंभ कर सकते हैं, तो नया कार्य आरंभ करने से पहले वीडियो के अंत में जरूर जानें आज का शुभ समय क्या है, शुभ समय में ही नया कार्य आरंभ करें ताकि आपको सफलता की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो। निवेश करने में आज आप अचानक से फैसले ले सकते हैं, पैसे के लेन देन में किसी अन्य के झूठ के कारण आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो ऐसे झूठे लोगों से बिल्कुल सचेत रहें, पैसे का कहीं निवेश करना हो तो बहुत ही सोच समझ कर ही करें, कोई अटका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है, व्यापारिक यात्रा के योग भी बन सकते हैं। बात करेंगे विद्यार्थी की, तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है, मेहनत करें, सफलता की प्राप्ति आपको निश्चित तौर पर होगी। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहने वाला है, सुबह सुबह अंकुरित अनाज खाएं, इससे आपका पेट साफ रहेगा, स्वस्थ भी रहेंगे। बात करें प्रेम संबंध की, तो जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा, जीवन साथी आपके भावनाओं का सम्मान भी करेंगे। आज के दिन गेहूं से बनी हुई चीज़ें खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा, आपके लिए आज का शुभ रंग ऑरेंज कलर। बात करेंगे सिंह राशि की, सिंह राशि में चंद्रमा आज सातवें स्थान में विराजित है,
जिसके फलस्वरूप घर परिवार की स्थिति में सुधार लाने के आपके विचारों को आज समर्थन मिल सकता है। आपके रोजमर्रा के काम भी पूरे हो सकते हैं। तनाव से बाहर निकलने में आपको मदद भी मिलेगी। आज आप दूसरों की मदद करेंगे तो उसका फायदा आपको भी मिलता हुआ दिखेगा। कुछ पुराने मामले आपके आज सुलझ सकते हैं। कुछ लोग हालांकि आपकी भावनाओं से भी खेल सकते हैं, तो ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहें, बच के रहें। संतान के सुख में वृद्धि होगी। मित्रों का सहयोग भी आपको मिलेगा। बिना वजह वाले विवादों से आज बचें। दिन भर में आपको कुछ अच्छे समाचार की प्राप्ति भी आज हो सकती है। कार्य क्षेत्र में चाहे जो भी कार्य करते हों, जॉब करते हों, व्यापार करते हों, वहाँ पर आपका वर्चस्व आज बना रहेगा। बात करें सिंह राशि के व्यापार और धन की, तो व्यापार में आज आपकी आज व्यस्तता बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी। बात करेंगे विद्यार्थी की, तो विद्यार्थियों के लिए आज कहीं अच्छा रहने वाला है। कम मेहनत में भी ज़्यादा सफलता की प्राप्ति आपको हो सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो पुराने रोग आपके खत्म हो सकते हैं। स्वास्थ्य में आपका सुधार भी होगा। दाएं हाथ या शरीर के किसी भी दाएं अंग में आज चोट लग सकती है, तो संभल कर रहें। बात करेंगे प्रेम संबंध की, तो दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। घर में खुशी का माहौल भी रहेगा। आज के दिन अगर कुछ तला हुआ भोजन करते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग लाल रंग। बात करेंगे कन्या राशि की, कन्या राशि में चंद्रमा आज आठवें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज आपकी सामाजिक महत्व के कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। किसी अनचाहे व्यक्ति से भी आपकी मुलाकात आज हो सकती है, जिसके कारण आपका मूड भी खराब रह सकता है। खान पान में आपकी रुचि बढ़ेगी। आपको सलाह दी जाती है कि किसी मामले को आज हल्के में ना लें। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी और लोग आपसे खुश भी रहेंगे। बात करें कन्या राशि के व्यापार और धन की, तो नौकरी और कार्य क्षेत्र में बदलाव हो सकता है। आय के साधनों में बढ़ोतरी होगी। खर्च आपका बढ़ेगा। बिजनेस पार्टनर की मदद से व्यापार में भी आपको लाभ होगा। मकान या भूमि संबंधित कार्यों में थोड़ी चिंता लेकिन आपकी आज रह सकती है। बात करेंगे विद्यार्थी की, तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत भरा रह सकता है। ज़्यादा मेहनत का आपको कम फल मिल सकता है, फिर भी मेहनत में किसी प्रकार की कमी बिल्कुल ना रखें। स्वास्थ्य की बात करें तो आज के दिन थकान और आलस्य से परेशान रह सकते हैं। अपने आप को कम समय दे पाएंगे। अपने माता के स्वास्थ्य का लेकिन आपको आज ध्यान रखना चाहिए। बात करें प्रेम संबंध की, तो प्रेम प्रस्ताव आपके विफल हो सकते हैं आज। अविवाहित जातकों को विशेष तौर पर सावधानी बरतनी चाहिए। प्यार के इजहार करने से आज बचना चाहिए। आपके लड़ाई झगड़े इससे हो जाएंगे। आज के दिन अगर तांबे के बर्तन में पानी पीते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग गुलाबी रंग। बात करेंगे अब तुला राशि की, तुला राशि में चंद्रमा आज नौवें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज आपकी योजना सफल हो सकती है। जो भी योजना बनाएंगे उसमें आपको फायदा मिलेगा। दिन भर आप अपने काम में व्यस्त रहेंगे। आज आप अपना काम पूरी एकाग्रता के साथ कर पाएंगे। दोस्तों की तरफ से भी कुछ अच्छी खबर आपको मिल सकती है। संतान से सुख मिलेगा। पारिवारिक मामले में थोड़ी उलझन लेकिन आपकी आज बढ़ सकती है। धैर्य में भी कमी आ सकती है। कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति में सुधार भी संभव है। बात करेंगे तुला राशि के व्यापार और धन की, तो व्यापार और निवेश में धन आने की संभावना बन रही है, तो सलाह विचार करके ही निवेश करें। कुछ लोगों से जरूर सलाह लें। अचानक धन लाभ की भी संभावना हालांकि बन रही है, साथ ही आपके खर्च भी बढ़ेंगे। बात करेंगे विद्यार्थी की, तो आज विद्यार्थियों के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, जिससे लक्ष्य को प्राप्त करने में आपको आसानी भी होगी। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपका ठीक ठाक रहेगा, लेकिन अपने पिता के स्वास्थ्य का आपको आज ध्यान रखना होगा। प्रेम संबंध की बात करें तो अविवाहित लोगों को प्रेम संबंध में सचेत रहने की जरूरत है। आपके प्रेम संबंध उजागर हो सकते हैं, साथ ही आपके पार्टनर का मूड भी खराब रह सकता है। जीवन साथी से नोकझोंक की संभावना भी बन रही है। आज के दिन अगर दूध से बनी हुई चीजें खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग लाल रंग। बात करेंगे वृश्चिक राशि की, वृश्चिक राशि में चंद्रमा आज दसवें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज किसी पर ज़्यादा भरोसा करने से बिल्कुल बचें। आपके अधिकारी आपसे आज प्रसन्न रहेंगे। आपके आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होगी। मकान जमीन जायदाद से संबंधित मामले आप क्या सुलझ सकते हैं। साथ ही नए लोगों से भी दोस्ती हो सकती है। आज आपकी बोली गई बातों का गलत अर्थ भी निकाला जा सकता है, तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। जो भी बोलें बिल्कुल सोच समझ कर बोलें। कहीं घूमने फिरने के योग भी आपके लिए आज बन सकते हैं। बात करें वृश्चिक राशि के व्यापार और धन की, तो आज व्यापार में कड़ी परिवर्तन की संभावना बन रही है। कहीं निवेश अगर करना चाहते हैं तो कुछ लोगों की सलाह निश्चित तौर पर लें। खर्च में आपकी बढ़ोतरी होगी, जिसके कारण आपकी चिंता भी आज बढ़ सकती है। बात करेंगे वृश्चिक राशि के विद्यार्थी की, तो विद्यार्थियों की रुचि आज पढ़ाई में
बनी रहेगी, जिसके लिए इसके परिणाम भी अच्छे होंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो सिर और पेट संबंधी कुछ परेशानी आपको रह सकती है, तो अपने भोजन का ध्यान रखें। कोई पुरानी बीमारी आपको आज परेशान भी कर सकती है। बात करें प्रेम संबंध की, तो आज जीवन साथी के प्रति सकारात्मक विचार रखें, उनकी भावनाओं का सम्मान भी करें। साथी आने वाले दिनों के महत्वपूर्ण कामों की योजना उनके साथ शेयर जरूर करें, इससे आपके संबंध बेहतर होंगे। आज के दिन केला अपने खाद्य पदार्थ में शामिल करते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग ऑरेंज रंग। बात करेंगे अब धनुराशि की। धनुराशि में चंद्रमा आज 11वें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप परिवार की कलह सुधारने में आज आपको सफलता मिलेगी। कुछ पुराने विवाद और परेशानियां आज खत्म हो सकते हैं। आपके सोचे हुए काम भी पूरे होंगे, जो भी आपने सोच रखा होगा ऐसे काम पूरे होने की उम्मीद बन रही है, तो ऐसे कामों पर ध्यान जरूर दें। किस्मत का साथ आपको मिलेगा, कुछ लोग आपकी भावनाओं से खेल सकते हैं, तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, आपको सावधान रहना चाहिए। साथ ही कुछ लोगों के साथ आपके इन्हीं वजहों से मनमुटाव भी हो सकते हैं, जिसके कारण आप थोड़े चिंतित भी आज रहेंगे। आज अपने वाहन को सावधानीपूर्वक चलाएं, नियंत्रण में चलाएं, क्योंकि आपके दुर्घटना के योग बन रहे हैं, तो आपको थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। बात करेंगे धनु राशि के व्यापार और धन की, तो आज व्यापार में कोई फैसला जल्दबाजी में ना लें, आपके ज़्यादातर शौक भी पूरे होंगे। खरीदारी के योग आपके लिए बन रहे हैं, जिसके कारण आपका खर्च भी बढ़ेगा। तो खर्च तो होते ही हैं, लेकिन जो फिजूल खर्च होते हैं उस पर नियंत्रण रखना चाहिए। बात करेंगे विद्यार्थी की, तो विद्यार्थियों की मेहनत सफल रहेगी, तो मेहनत में किसी प्रकार की कमी आज बिल्कुल ना रखें। स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आ सकता है, थकान और आलस्य भी बना रहेगा, मन में थोड़ी चिड़चिड़ापन भी आज रह सकती है। बात करें प्रेम संबंध की, तो आज जीवन साथी से कोई उपहार आपको मिल सकता है, आपके प्रेम संबंध मजबूत होंगे, पति पत्नी के बीच आज अच्छी समझ भी बनी रहेगी। आज के दिन अगर चावल अपने खाद्य पदार्थ में शामिल करते हैं तो आपके शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग गहरा लाल रंग। बात करेंगे अब मकर राशि की। मकर राशि में चंद्रमा आज 12वें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज आपका मन सामाजिक कार्यों में लगा रहेगा, परिवारजनों का स्नेह भी आप पर बना रहेगा। लंबी यात्रा के योग भी बन सकते हैं और यात्रा आपकी शुभ रहने वाली है। कार्य क्षेत्र में अधिकारी आपसे प्रसन्न होंगे, रुके हुए और फंसे हुए कार्य आपके आज पूरे हो सकते हैं। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, ज़्यादा आत्मविश्वास में ना पड़े, काम इससे आपके बिगड़ सकते हैं। आज आपको आपकी बात किसी से शेयर करने का भी मन करेगा, लेकिन बातें शेयर करने के लिए व्यक्ति का चुनाव भी बिल्कुल सोच समझ कर करें। व्यापार और धन की बात करें तो पैसे कमाने के नए मौके आपको मिलेंगे, साथ ही खर्च की अधिकता भी रहेगी। बात करें विद्यार्थी की, तो विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त करने के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन जो विद्यार्थी मेहनत करेंगे उन्हें सफलता की प्राप्ति भी जरूर होगी। बात करेंगे स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के मामले में आज सावधानी बरतें, मौसमी बीमारियां आपको परेशान भी कर सकती है। बात करेंगे प्रेम संबंध की, तो अपने जीवन साथी का रवैया आपको परेशान कर सकता है, शादीशुदा लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है। आज के दिन चांदी के बर्तन में खीर खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग ऑरेंज कलर। बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि में चंद्रमा आज प्रथम स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज आपको आपके भाइयों और मित्रों का सहयोग मिलेगा। काम धंधा बढ़ाने के लिए जो भी मेहनत आपने अपने पिछले दिनों में किया है उसका फल आपको अब मिलेगा। आपके सोचे हुए कार्य भी पूरे हो सकते हैं। अपने आक्रामक रवैये की वजह से आप थोड़े परेशान भी रह सकते हैं। आज किसी से कर्ज बिल्कुल ना लें। बात करें कुंभ राशि के व्यापार और धन की, तो आज आपकी आय में बढ़ोतरी होगी। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन अच्छा रहने वाला है। कहीं निवेश करना आपके लिए लाभदायक भी सिद्ध हो सकता है, लेकिन निवेश सोच और समझ के ही करें, अनुभवी लोगों की सलाह से ही करें। बात करेंगे विद्यार्थी की, तो विद्यार्थियों के लिए आज सफलता के योग बन रहे हैं, तो मेहनत में किसी प्रकार की कमी बिल्कुल ना रखें। स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपको गैस और एसिडिटी का सामना करना पड़ सकता है, तो अपने भोजन पर ध्यान दें और मसालेदार खाने से बिल्कुल बचें। प्रेम संबंध की बात करें तो जीवन साथी से सम्मान आपको मिल सकता है, दाम्पत्य जीवन आपका मधुर रहेगा। अविवाहित प्रेमियों के लिए भी आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के दिन अगर मूंग की दाल खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग नीला रंग। बात करें मीन राशि की। मीन राशि में चंद्रमा आज दूसरे स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज आपको नजदीकी दोस्तों और प्रेमीजनों से मदद मिल सकती है। किसी बुजुर्ग की अगर सलाह लेंगे तो आपके समस्या का समाधान भी हो सकता है।
आज आपको आपकी उत्सुकता कई नई चीज़ें भी सिखा सकती है, साथ ही आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा भी आ सकता है। तो अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। आत्मविश्वास से आज परिपूर्ण रहेंगे, परंतु आय में कमी और खर्चों में अधिकता से चिंतित भी रहेंगे। अपनी काबिलियत पर भरोसा रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। समाज में आपको मान सम्मान भी मिलेगा। बात करें मीन राशि के व्यापार और धन की, तो आज व्यापार करने वाले जातकों के आय में कमी आ सकती है। व्यापारी जन अपने फैसले जल्दबाजी में न लें, आपकी खर्च भी आज बढ़ेगी। बात करेंगे विद्यार्थी की, तो विद्यार्थियों का मन आज पढ़ाई में लगेगा और उनको सफलता भी मिलेगी। स्वास्थ्य की बात करें तो आपको थकान हो सकती है, नींद में कमी भी आ सकती है, पुराने रोग आपको आज परेशान भी कर सकते हैं। प्रेम संबंध की बात करें, दाम्पत्य जीवन की खुशियाँ बढ़ सकती है, दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहने वाला है, अनुकूल नतीजे मिलने के योग भी बन रहे हैं। अविवाहित जातकों के लिए आज विवाह के प्रस्ताव भी आ सकते हैं। आज के दिन दही अपने खाद्य पदार्थ में शामिल करते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग सुनहरा रंग। तो मित्रों, ये था आज के 12 राशि का राशिफल। अब जान लेते हैं आज का शुभ समय। आज का शुभ समय यानी कि गुलिकाल रहने वाला है दिन के 12:23 से लेकर 1:41 तक। इस समय कुछ भी नया कार्य आरंभ करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आज का अशुभ समय यानी कि राहु काल रहने वाला है दिन के 2:59 से लेकर 4:16 तक। इस समय कुछ भी नया कार्य करने से बचें और सफलता हाथ लग सकती है। दिशाशूल रहने वाला है उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में किसी खास प्रयोजन से यात्रा आज न करें। शुभ खाद्य आज का रहेगा गुड़, गुड़ खाकर यात्रा आरंभ करेंगे, आपके कार्य आज बनेंगे। मित्रों, अब जान लेते हैं आज के भाग्यवर्धक उपाय को। आज मंगलवार का दिन है, आपको क्या करना चाहिए, सुख समृद्धि के लिए घर के दरवाजे के पास में स्वास्तिक या फिर श्री गणेश जी का कोई चिन्ह जरूर लगाना चाहिए, ताकि आते जाते उस पर नज़र पड़े आपकी। इससे आपके बिगड़े हुए काम भी बनते हैं, सारा काम मंगलमय रहता है। तो मित्रों, ये था आज का संपूर्ण राशिफल। कल के संपूर्ण राशिफल के लिए जुड़े रहें धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहें धर्म शिक्षा। जय माता दी।